रहे हैं ये बाल्टी में। तो फ्रेंड चलिए फिर आज स्प्रे करने वाले हम लोग, आपको भी दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू शबनम ब्लॉग्स। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग एक नया दिन और एक नई शुरुआत के साथ। हम लोग जा रहे हैं स्प्रे करने, तो पापा तो पहुंच चुके हैं खेत में, मुझे ये बाल्टी लेके जाना पड़ेगा खेत। चलिए फिर चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम लोग इसी तरह घर से बाल्टियां लाते जाएंगे और प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। जो पापा ने पीठ में डाल रखा है ये कैन सा, ये कैन नहीं है एक्चुअली में, ये मशीन है जिससे स्प्रे कर रहे हैं पापा। जा रहे हैं ये जो हमने दवाई मिलाई है इसमें, तो ये वाला है वो मैं आपको दिखाना चाहती थी। दिखा शिल्पा ये वाला जो हम स्प्रे कर रहे हैं ये वाला, और इसमें एक और मिलाया हुआ है वो वहाँ पे है। चलो आप यही देख लो, आधा इसमें अभी भी है, आधे से थोड़ा कमी है, और इससे हमने वो ड्रम भरा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो फ्रेंड यहाँ पर दादू मिल गए थे मुझे, तो मैंने दादू से पूछा कि स्प्रे क्यों करते हैं। इसमें जो है ना मैं स्केल लगती है, संजप स्केल एक कीड़ा है, संजप स्केल एक कीड़ा है, इसको खत्म करने के लिए जो है हम हर वर्ष सर्दी के दिनों में जो है मतलब सर्वो टी स्प्रे ऑयल या सर्वो की स्प्रे करते हैं, और बीमा आने पर जो है बीमा पक्का करने के लिए जो है इसमें थोड़ा सा यूरिया भी डालते हैं, जिसकी वजह से बीमा जो है सेब का बीमा पक्का बन जाता है और फल स्वस्थ आता है। अच्छा ठीक है, समझ ही गए होंगे आप लोग, मैं तो समझ गई, अब आपका पता नहीं, समझ ही गए होंगे। चलो फिर इससे हमें ये पता लग गया जो भी दादू ने बोला कि हम स्प्रे करते हैं। और ये देखो ये और ये मिला के देखो, हमने ये पूरा ड्रम भरा हुआ था इसमें, ये फुल था जो अभी हमने आधा कर लिया है ले जा करके। बाकी अब मैं आपको थोड़ा खेत में दिखाती हूँ कैसे, अभी मैं खुद भी स्प्रे करूंगी ना। तो फ्रेंड्स ये है वो यूरिया बता रहे थे, अंदर से वाइट से कलर के चीनी की तरह है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो, देखिए पापा को मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट, थोड़ी देर नहीं अब मैं ही स्प्रे करने वाली हूँ। इसमें करो ऊपर नाशपति, नाशपति में भी मम्मी रहो आप। परे से या परे परे पर ली साइड ऐसे चारों तरफ घूमना होता है, जब भी आप हां ठीक आ रही तू, जब भी आप स्प्रे करो हां ऐसे चारों तरफ घूमना है पेड़ के। ये ना जो रेड साइड है पहले टहनियों से शुरू करें,
रहा है। यहाँ क्या है सामने? एक गोल घूमे फटसर है, फटसर घूमो गोल घूमे एकदम घूमो। ठीक है स्पीड है। तो जी ये आ गए हैं हम दूसरी मशीन लेकर। एक हमने चार्जिंग पे लगा दी है, उसको चार्जिंग होने में अभी 20 मिनट लग जाएंगे। इस वाली मशीन में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। देखो एक हाथ से स्प्रे और एक हाथ से इसको थोड़ा ऐसे घुमाना पड़ता है। ये देखिए उसी पहाड़ी पे सिर्फ बादल है जहाँ पर बर्फ पड़ी है। हो गई ये चार्ज? हो गई थोड़ी। अच्छा अब देखिए इसमें जाली सी बनी होती है, कूड़ा इसी में रुक जाता है। तो जाली सी काम करती है कूड़ा निकालने का। ये ड्रम का लास्ट वाला था जो बचा था, इसीलिए बहुत गंदा है। ड्रम खाली कर दिया है देखिए, गंदा ड्रम। अभी इसमें और दवाई डालेंगे। पापा जी और डालनी है दवाई? आधा ड्रम जो हम करेंगे। व्लॉग तो फ्रेंड्स बस आज का व्लॉग इतना ही था। अभी हमें बहुत सारा काम करने को है, कपड़े धोने को है, फिर हमें लंच भी करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाएं और मुझे फॉलो करें। और जल्द ही मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।